हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडोना, कोडिंग से डरो ना। तो यार आज हम करेंगे हैकर रैंक का सी प्लस प्लस का क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर लें, ताकि यार आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे जो भी कॉम्पिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यार उनके ईजी एक्सप्लेनेशन होंगे, ईजी से आप लोग सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम में सबसे पहले तो यार नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। ठीक है, उसके बाद जैसे मानो यूजर ने डाला 2 टेस्ट केसेस। ठीक है, उसके बाद यूजर से अपने को यार 2 इंटीजर लेने हैं। ठीक है, 1 और 0। तो यार आपको बता देता हूँ ये 1 और 0 है क्या। तो ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को जैसे 1 डाला यूजर ने तो ग्रीन रिटर्न करना है, क्योंकि इंडेक्स 1 पे है ग्रीन। ऐसे 0 डाला तो एप्पल रिटर्न करना है। तो यार अभी तक तो ये बहुत ईजी लग रहा है। ठीक है, पर यार इसमें अपने को इन्यूमरेशन यूज करना है। ठीक है, अभी इन्यूमरेशन होते क्या है यार, किसको पता नहीं, उसको एक बेसिक सा नॉलेज देता हूँ। तो यार एक इन्यूमरेशन जो होते हैं, तो यार ये अपने को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अपन वेरिएबल को एक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना एक ओन डेटा टाइप अपन डिफाइन कर सकते हैं इन्यूमरेटर की मदद से। ठीक है, जैसे मानो अपन ने कोई इन्यूमरेटर डिफाइन किया मंथ का। ठीक है, तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके मंथ है। ठीक है, तो अपन जनवरी को 1 डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे फरवरी को 2। तो अपन अपनी मर्जी से एक डेटा टाइप इन्वेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनम की मदद से। तो यार सी प्लस प्लस में जो इनम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनम क्लासेस और प्लेन इनम। ठीक है, तो यार हमेशा ध्यान रखना, इनम क्लासेस इज मोर प्रिफर्ड देन प्लेन इनम। ठीक है, तो यार इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और देखना है क्या होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर आप वहां से देख सकते हो कि इनम व्हाई इनम क्लासेस इज मोर प्रिफर्ड टू इनम प्लेन इनम। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में एक सूडो कोड दिया अपने को पहले, तो पहले से सूडो कोड समझते हैं कि अरे है क्या। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो यूजर ने यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंटर करवा लिए कि भाई कितने टेस्ट केसेस आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, उसके बाद यूजर ने यार इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 की वैल्यू प्रिंट मतलब एंटर करवा ली। उसके बाद यार यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कर रहा है, यार अपने को सी आउट सीधा कर रहा है ट्रेड्स कलर। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो यार सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड्स तो हो गया स्ट्रक्ट टाइप का। ठीक है, कलर इसने यार डेटा टाइप दे दिया है इसको ट्रेड्स को। ठीक है, उसके बाद यार इसने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम इंडेक्स 1 लिखा है। तो यार अब ये नेम इंडेक्स 1 इसका क्या मतलब होगा, यानी यार ये नेम नाम का कोई स्टैटिक फंक्शन होगा जो कि अपने को लिखना है। ठीक है, यानी यार ये तो पता पड़ गया कि अपने को स्टैटिक फंक्शन बनाना है जिसका यार नेम टाइप होगा, फंक्शन का नाम होगा नेम, और यार वो क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यानी कि अपने को यार एक स्टैटिक स्ट्रिंग नेम फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, अब यार ऊपर आते हैं तो अपन देखते हैं इनम क्लासेस में 2 चीजें डिफाइंड है, वो क्या है, फ्रूट और कलर। यानी यार इसका मतलब अपने को यार टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो यार पहले तो करते हैं फ्रूट का जल्दी से। तो यार टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यार मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है, जैसे अपन सिंपल टेम्पलेट डिफाइन करते थे वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, ट्रेड्स, उसके बाद आते हैं यार अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं फ्रूट के लिए। ठीक है, उसके बाद यार अपन क्या करेंगे कि एक स्टैटिक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आपको बताया था कि अपने को कैसे पता पड़ा कि स्टैटिक स्ट्रिंग और नेम नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो यार एक पासवर्ड पास करा देंगे इन टाइप का वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद स्विच केस लगाएंगे। यार स्विच केस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यार अपने को पता नहीं है कि कौन सा इंडेक्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो स्विच केस इसलिए कि यार अगर इंडेक्स जो हुआ वो यूजर ने 0 डाला, मतलब वैल्यू 0 डाली, तो यार अपने को रिटर्न क्या करना है, एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यार अगर 1 डाला तो यार क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है ये सेमी कॉलम है। यस, तो अपने को रिटर्न क्या करना है फ्रेंड्स, ऑरेंज। ठीक है, ऐसे अगर केस हुआ तो यार रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न करना है अपने को पीएल। ठीक है, तो यार ये रिटर्न कैसे क्या करना है अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे पता पड़े। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो अपन सीधा रिटर्न क्या कर देंगे, अननोन। ठीक है, तो यार ये देखो, इस यार फूड क्लास में एप्पल, ऑरेंज और पीयर, ये 3 अपने पास वेरिएबल्स है। तो यार अपने को एप्पल को 0 दे देंगे इंडेक्स, और ऐसे ही ऑरेंज को 1 दे देंगे, और पीयर को 2 दे देंगे। तो यार ये जो सेम चीज़ है टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, ये अपन कलर के लिए भी कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ठीक है, और जहाँ जहाँ फ्रूट है वहाँ वहाँ कलर लिख देते हैं। ठीक
यार अब कलर में अपने को जो रिटर्न होगा वो अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 0 हुआ तो रेड करेंगे, 1 हुआ तो ग्रीन करेंगे, और 2 हुआ तो ऑरेंज करेंगे, ठीक है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न क्या कर देंगे रन में, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन का ध्यान रखना, कई बार एरर आ जाती है अभी, ठीक है। तो यार कोड रन करते हैं, सोया अपना पहला टेस्ट किस पास हो गया, लेट सबमिट इट। इट माइट बी लाइक समथिंग एरर टाइप, लेट्स सी। या सो नो एरर इज देयर। तो फ्रेंड्स अपने सारे टेस्ट किस पास हो चुके हैं। तो यार ये अपना कोड था, तो इजी सा कोड था यार, अपन ने जो समझा उस हिसाब से, ठीक है। तो यार आपको ऐसे कोई भी डाउट हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव कोचिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो यार आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो यार अपन साथ में सॉल्व करेंगे कोचिंग, ठीक है। तो यार आपको चैनल, अगर चैनल की वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।